হাই, আমি সন্দীপন দাস। আমি এখানে অ্যাজ এ ব্যাটিং মেন্টর হিসেবে কাজ করছি, আর আমি আন্ডার 19 ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার, ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং টিমের প্লেয়ার এবং রঞ্জি ট্রফি খেলেছি বেঙ্গল হয়ে। তো আমার এটাই ভিশন কি এখান থেকে যাতে আরও ক্রিকেটারকে আমি ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, ভালো ব্যাটিং শিখিয়ে যাতে তাদের ক্রিকেটিক ডেভেলপমেন্ট হয়। তো সেটাই আমার ফার্স্ট এম। তো যেরকম বেসিক এদের যা যা নিড আছে, তো আমি এদেরকে হেল্প করতে চাই আমার যতটুকু নলেজ আছে তাই দিয়ে। থ্যাংক ইউ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसा लगा सबको, हिंदी में बात करो, सब कंफर्टेबल ना, कैसा लगा सबको? देखो बैटिंग ऐसा एक चीज़ है ना, अपने आप को मतलब एंजॉय करना चाहिए। बैटिंग ऐसा चीज़ है, कोई प्रेशर का बात नहीं है, बैटिंग को एंजॉय करो। क्रिकेट ही एंजॉय का खेल है, क्योंकि उतना प्रेशर कुछ लेने का नहीं है, एंजॉय करना है। जो बैटिंग का जो सबका एक एक जो चीज़ देखा मैं, बेसिक जो गलती है स्टांस में गलती है सबका ही थोड़ा सा। तो स्टांस को देखो, सब कोच तुमको दिखा देगा, तुमको बता देगा, पर तुमको खुद को घर पे करना होगा। मिरर के सामने जाके जाओ कि जो जो मैं गलती बोला अभी या सर जो बोल रहे हैं उसको करना होगा। मिरर के सामने जाके जाओ, देखो कि मेरा ये गलती बोल रहा था, ये ठीक हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ये जो बेसिक सेंस है ये सबको अपने आप को करना होगा। नहीं तो इधर आके तुम 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस करके अगर सोच लोगे कि मैं सब कुछ हो गया मेरा फिनिश, तो नहीं होगा। घर पे भी अपने आप को होमवर्क करना होगा कि ये गलती था मेरा, आज ये गलती हुआ है, इसको मुझको ठीक करना है। क्लियर ना सब कोई? और जो मेन है कि स्टांस जो बताया था मैं, एक बेसिक सबका स्टांस में बैट हमेशा इधर आना चाहिए, फर्स्ट स्लिप, अंदर नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम जन का बैट अंदर है, शोल्डर इधर है। शोल्डर और एल्बो हमेशा बॉलर और मिड ऑन का बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो बैट इधर, कि तुम अगर इधर चले जाओगे तो तुम इधर का लेग स्टंप का बॉल नहीं खेल पाओगे। ऑफ स्टंप में अच्छा खेलोगे, मैक्सिमम जन का हो रहा है ऑफ स्टंप बहुत अच्छा खेल रहा है, स्टंप का बॉल कोई नहीं खेल पाएगा। तुमको इधर क्लियर रखना है शोल्डर को। और एक जो है ट्रिगर मूवमेंट नहीं चाहिए किसी को, क्लियर। ट्रिगर मूवमेंट एक्स्ट्रा पेस के लिए होता है, जब तुम एक्स्ट्रा पेस खेलोगे तब ट्रिगर मूवमेंट चाहिए। अभी ये लेवल में कोई ट्रिगर मूवमेंट नहीं चाहिए, नॉर्मल खेलो। अगर ट्रिगर मूवमेंट करना ही है थोड़ा सा हल्का हल्का करो, थोड़ा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं जाना चाहिए। जितना बड़ा जाएगा उतना हेड गिरेगा, फॉल होगा हेड, क्योंकि सबसे भारी पार्ट है हम लोग का हेड। हेड जितना जाएगा गिर जाओगे तुम, ठीक है। तो नॉर्मल रहो, जितना होगा हेड स्टिल, राइट आई से बॉलर को देखना है, राइट आई से, तो देखो सीधा खेलो, ठीक है ना। क्लियर सबको? और एक जो चीज़, बैट लिफ्ट, बैट लिफ्ट करो। बैट लिफ्ट इधर नहीं आना चाहिए, बैट लिफ्ट ऐसा जाना चाहिए, जो बैट का स्विंग होगा ये ऐसा नहीं होगा, बैट का स्विंग होगा ऐसा, बैट का स्विंग होगा ऐसे, ठीक है, छोटा इधर से नहीं होगा बैट का स्विंग, ठीक है ना। क्लियर सबको? और देखो क्रिकेट का बैटिंग मतलब प्रैक्टिस घर पे जो तुम करोगे होमवर्क, बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग चीज़ है, पर हर अच्छा चीज़ ही बोरिंग होता है। तुमको अगर फ्यूचर में बनना है कुछ, तो ये बोरिंग चीज़ को दौड़ाते रहना है, करते रहना है, ये बोरिंग चीज़ ही करते रहना है, तभी जाके ये जो मैं आज कराया ड्रिल्स बहुत बोरिंग है, तुमको 50-100 तुम नहीं कर पाओगे, बहुत बोरिंग लगेगा, पर इसको डेली करना है, फोन रख के डेली तुमको मानना है, बोरिंग बोरिंग चीज़ ही करते रहना है, तो वो हैबिट पर बैठाना होगा सब, ठीक है, ये बोरिंग चीज़ से। और कुछ नहीं, सब कोई बिंदास खेलो, एंजॉय करो,
और अपने आप में सीखने का भूख भूख भरा हो सब कोई, ठीक है। तो बहुत अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट सेशन में फिर देखा होगा सबके साथ। तो होपफुली नेक्स्ट सेशन जब मैं आऊँगा तो सब कोई जो आज मैं देखा उससे थोड़ा सा इम्प्रूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबसे। हाँ चलो, थैंक यू सो मच।